हेलो वेलकम, ये हमारा एनएलपी के दूसरा ट्यूटोरियल है। पहला ट्यूटोरियल आप इसी प्लेलिस्ट के प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करने हैं कि बैगावर्ड्स पे काम कर रहे होंगे। बैगावर्ड्स का एक मॉडल है, क्यों करेंगे, क्या है वो हम देखते हैं। अगर आप इसको पढ़ लें या फिर मैं पढ़ लेता हूँ इधर। मशीन लर्निंग मॉडल्स नीड्स टू डाइजेस्ट डेटा इन स्ट्रक्चर फॉर्म। मशीन लर्निंग में हम जो भी डेटा देंगे वो टेक्स्ट डेटा नहीं प्रोसेस कर सकता। मशीन में जो भी हम देंगे चीज़, कंप्यूटर को जो भी चीज़ ऐड करेंगे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होना ज़रूरी है। लेकिन हम टेक्स्ट से डील करें तो टेक्स्ट में तो हमारे पास टेक्स्ट ही है, तो इस टेक्स्ट को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम बैगावर्ड्स के मॉडल के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक चीज़ वर्थ नोटिसिंग है कि अगर आपका पाइथन प्रोग्रामिंग वाला है तो उसमें आपके पास मे बी इंटीजर, बाइट, एरर और प्रोग्रामिंग ऐसे वर्ड्स ज़्यादा होंगे, कंट्ररी टू जो हमारा एनिमल पाइथन वाला डॉक्यूमेंट है उसमें आपके पास मे बी बाइट, स्नैक, पेट ऐसे वर्ड्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इसी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक और मैट्रिक्स में जो क्या करेगा, आपके नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करेगा। सही है, हर रो में हर सेंटेंस को काउंट करेगा और इसमें आपके पास जितने यूनिक वर्ड्स होंगे ना उतने आपके कॉलम बन जाएंगे। और एक बात याद रखेंगे, कॉलम की कोई ऑर्डरिंग नहीं होती, कोई वर्ड ऑर्डर नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, कोई ग्रामर नहीं होती। ये आपका एक जस्ट मैट्रिक्स बनाएगा। अगर आप देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट जीरो, डॉक्यूमेंट वन, पहले डॉक्यूमेंट का अगर आप पहला सेंटेंस देखें, पाइथन इज ए लार्ज स्नेक ऑल्दो द स्नेक इज नॉट वेनोमियस। Python is an interpreted programming language for general purpose programming. तो जितने यूनिक वर्ड्स हैं उन यूनिक वर्ड्स का आपके कॉलम बना देगा। और ये पहले सेंटेंस में इसमें अल्दो एक बार आया है तो एक बार इसने दिया, n जीरो बार है। अब देखो n इसमें है तो उसका कॉलम तो बन गया, नॉट नेसेसरी पहले इसमें हो तो आपका इसमें जीरो जीरो है। इसी तरह इज आपके पहले में दो बार आया है, दो बार आया है तो इसने दो बार दिया है, ठीक है। तो इसी तरह सारे वर्ड्स को काउंट करके ये बता देगा इस तरह, ठीक है। तो दिस इज हाउ द बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल वर्क, ठीक है। और आगे अगर आप आए, ठीक है, तो आपके डिफरेंट वेक्टराइजर्स हैं जो हम उस पर काम करते हैं और जो आपके बैग ऑफ वर्ड्स के मॉडल्स होते हैं वो आपके sklearn के फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट, इसमें आपका टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट से आप इम्पोर्ट कर सकते हैं इम्पोर्ट। और आपके पास बहुत सारे वेक्टराइजर होते हैं, काउंट वैक्टर वैक्टराइजर है, और भी आपके पास होते हैं हैशिंग वैक्टराइजर है, और ये और आपके पास ये दूसरे होते हैं TF IDF, ये एक वैक्टराइजर होता है, सही है। और ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्टराइजर हैं। अभी हम क्या करते हैं, काउंट वाले में करते हैं जो कि आपका अभी मैंने आपको बताया क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड्स काउंट करेगा। तो इसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। और वैक्टराइजर एक्चुअली सैकेलर में क्या करता है कि आपके जो डेटा है ना उसको नंपाई एरे में कन्वर्ट करता है, डेटा स्ट्रक्चर जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है लाइक डिक्शनरी या किसी भी फॉर्म में। और ये आपका सिंस एक ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपका जो टेक्स्ट डेटा होगा उसको ट्रांसफॉर्म करके न्यूमेरिकल डेटा में लाएगा। किस क्राइटेरिया पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स पे काउंट करेगा। तो ट्रांसफॉर्मर में हम क्या करते हैं, पहले फिट करेंगे फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे, या फिर ट्रांसफॉर्म का साथ में आप कन्वर्ट कर सकते, साथ फंक्शन कॉल कर लेते। तो पहले मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं, इसका नाम बल्कि मैं बैग ऑफ वर्ड्स ही दे देता हूं, बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक हो गया। ये हमने इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और बैग ऑफ वर्ड्स डॉट फिट, और इसमें हमारा डॉक्यूमेंट्स जिसमें हमारे दोनों हैं, दोनों आर्टिकल्स हैं, मैं फिट कर लेता हूँ। तो ये हमारा फिट हो गया। इसमें एनालाइजर, इसमें भी बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इनके जो कि हम आगे बाकी देखेंगे। लोअर केस ट्रू मतलब के अगर कोई टी कैपिटल एच ई दे और टी छोटा डी एच ई है तो मतलब के उसको कैपिटल वाली चीज़ों को इग्नोर करें। और बाकी बहुत सारे इसमें हैं फीचर्स जो कि आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करना वो आगे हम देखेंगे, अभी के लिए जस्ट यूज़ करते हैं। और अब इस पे मैं अपना इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा अपने सेम डॉक्यूमेंट्स पे, और ट्रांसफॉर्म मेरे पास डेटा जो आएगी उसको मैं सेव कर लेता हूँ, लेट से वर्ड काउंट्स, वर्ड काउंट्स। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। और अब अगर मैं वर्ड काउंट्स को प्रिंट करूँ तो आपके पास ये एक स्पर्स मैट्रिक्स है, स्पर्स मैट्रिक्स कौन सा, जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और इसको अगर आप प्रिंट करें, वैसे ये प्रिंट आप करेंगे तो आपके पास ये आ गया।
अब ये स्पर्स मैट्रिक्स क्या है, इसको इंटरप्रेट क्या करना है, उसके लिए आप इसको पढ़ लें कि ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स एक आपका स्पर्स मैट्रिक्स है, और इसका एक्चुअली अगर आप टू एरेस में इसको करेंगे ना तो ये आपका एक फुल मैट्रिक्स रिटर्न कर देगा, लेकिन ये कि उसमें मेमोरी लॉस भी आपका हो सकता है। इसके कुछ की पैरामीटर्स हैं वो ये एक ये है मिन डी एफ है जो कि ओनली काउंट्स वर्ड्स दैट अपियर इन ए मिनिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड मैक्स डी एफ है तो ओनली काउंट्स नंबर दैट डू नॉट अपियर मोर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो आप दे रहे होंगे, एंड मैक्स फीचर लिमिट्स द नंबर ऑफ जनरेटेड फीचर्स बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी। इसको आप फिट करने के बाद आप गेट फीचर नेम्स जो कि आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज फीचर्स जो आपके फीचर नेम्स बने होंगे, याद है मैंने एक मैट्रिक्स सिखाया था उसमें थे, और इंडेक्स ऑफ वर्ड करस्पॉन्ड टू द फीचर कॉलम, और वोकैबुलरी ए लिस्ट मैपिंग ए वर्ड टू इट्स करस्पॉन्डिंग फीचर इंडेक्स। लेट्स यूज वोकैबुलरी, तो अब हम इसको इन फीचर्स को यूज करके देखते हैं। बिफोर वी यूज दैट हम इसको है ना टू एरे में भी करके देखते हैं। ये एक्चुअली आपका स्पर्स मैट्रिक्स ही है जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और इसको मैं टू एरे में भी करके देखता हूँ, वर्ड्स डॉट टू एरे, और इसको अगर आप देखें तो आपके पास एरे है, लिस्ट ऑफ एरे है, और जिसमें आपके हर रो एक हर एक ऑब्जर्वेशन को मेंशन कर रही है, उसकी काउंट्स को मेंशन कर रही है, और इसके जो फीचर्स होंगे वो आपके क्या होंगे, वर्ड्स होंगे, यूनिक वर्ड्स होंगे, सही है। और इसको अगर मैं ये करूं तो इसमें आपके पास अगर फीचर्स या चलें वोकैबुलरी में आगे देखते हैं, यहाँ पे वोकैबुलरी वाला ये करके उसके बाद इसको मैं ज़्यादा ऐड कर दूं, और पहले मैं क्या करता हूँ कि एनिमल और इन दोनों के अलग अलग काउंट्स कर लेता हूँ, तो बैग ऑफ वर्ड्स डॉट ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर एनिमल सेंस और आपका लैंग्वेज वाला काउंट्स, लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग है उसके भी मैं काउंट्स कर लेता हूँ अलग से, ट्रांसफॉर्म और इसमें मैं लैंग्वेज के सेंस दूंगा, तो ये मुझे अलग अलग दोनों के काउंट्स आ गए। और अब अगर मैं अगर बैग ऑफ वर्ड्स डॉट अगर आप देखें तो आपके पास वोकेबुलरी है, ठीक है, और अगर मैं वैसे ही रन करता हूँ तो मेरे पास एक डिक्शनरी है, उसमें सारा मुझे बताता है कि कौन सा वर्ड्स कितनी बार यूज़ किया हुआ है, इज इतनी बार यूज़ किया हुआ है, ये आपके पास वोकैबुलरी में आपको डिटरमाइन बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स कौन सा वर्ड कितना दफ़ा यूज़ हुआ है। अब इतने सारे वर्ड्स हैं तो आपके पास इतने सारे कॉलम्स भी बने होंगे। अगर मैं गेट फीचर नेम्स अगर मैं ये प्रिंट करता हूँ तो आपके पास ये एक ये आ गया, अगर इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ तो फिर भी ये ऑब्जेक्ट ही आ रहा है, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट है, खैर हो गई। तो अगर मेरे पास सिंस वोकैबुलरी थी ना, अब वोकैबुलरी मेरे पास इतनी सारी है, और वोकैबुलरी में अगर आप देखें तो आपके पास एक्चुअली क्या है, ये डिक्शनरी है, और डिक्शनरी में आप किसी की के थ्रू किसी भी वर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर इसमें से मुझे प्रोग्रामिंग का चाहिए अकाउंट तो मैं प्रोग्रामिंग का अकाउंट इस तरह ले सकता हूँ। अच्छा एक मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि आपका ये काउंट नहीं है एक्चुअली, ये उसकी करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है, वेरी सॉरी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि ये आपको जो बता रहे हैं ना ये उनकी इंडेक्सेज हैं, काउंट्स नहीं है एक्चुअली, उस वर्ड्स के काउंट्स नहीं है, उसकी एक्चुअली इंडेक्सेज हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखा है ना, प्रोग्रामिंग, तो ये उसकी एक करस्पॉन्डिंग इंडेक्स है, सही है। तो इस इंडेक्स को मैं लेट से प्रोग इंडेक्स में सेव कर लेता हूँ, और हम देते हैं कि अक्रॉस डॉक्यूमेंट इसकी काउंट्स कितने इसी इंडेक्स के, जो कि हमारा इंडेक्स कितना है प्रोग्रामिंग वर्ड, और हमारे पास एनिमल काउंट्स है, इसका मैं सम करता हूँ एक्सेस जीरो पे, और ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट रिटर्न कर रहा है पूरे उसकी, और इसकी सिंस लिस्ट में एक और लिस्ट है तो इसका मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर जीरो दूंगा तो मेरे पास एक इसकी ये आ जाएगी, और जीरो पे मैं अपनी इंडेक्स दे देता हूँ जो कि प्रोग इंडेक्स पी आर ओ जी एक्स ये, और ये अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एनिमल काउंट्स में प्रोग्रामिंग वर्ड की अगर मैं काउंट ले रहा हूँ तो मेरे पास जीरो है,
लेकिन इसी तरह एनिमल की तरह मैं लैंग्वेज में अगर इसका काउंट देखूँ, लैंग्वेज वाले हमारे काउंट्स हैं उसमें अगर मैं इसी का इंडेक्स से काउंट्स देखूँ तो मेरे पास 29 बार यूज़ किया गया है हमारा प्रोग्रामिंग का वर्ड, प्रोग्रामिंग वाली डॉक्यूमेंट में। ठीक हो गया। उसके बाद हम दूसरे वेक्टराइज को देख लेते हैं। इस वेक्टराइज का आपको आइडिया आई गेस आ गया होगा। ये करता क्या है कि सारे वर्ड्स का आपको डिफरेंट हर सेंटेंस का रो बनाएगा और उसी रो में वर्ड, उसी सेंटेंस के वर्ड काउंट को आपको बताएगा। और हैशिंग वेक्टराइज ट्रांसफॉर्मर, इस पर थोड़ी बात करते हैं। ये वेक्टराइजर एक्चुअली क्या करता है कि आपका जो हर वर्ड होता है ना उसकी कोई यूनिक हैशिंग वैल्यू चूज करता है, जो कि पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, वो भी यूज होता है। तो बेस्ड ऑन दैट यूनिक वैल्यू वो आपका मैप होगा कॉलम इंडेक्स पे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका एक हैश का फंक्शन होता है हैश, और उसमें मैं लेट्स से हाई दे देता हूँ तो हाई की कोई ना कोई हैश वैल्यू मेरे पास आ गई। इसी तरह मैं हैश वैल्यू लेट्स से टेकिंग की देता हूँ तो मेरे पास ये कोई, तो यूनिक आपके पास हर वैल्यू की कोई भी आप वैल्यू देंगे ना डेटा दे दी तो उसके पास उसकी आपकी डिफरेंट हैश वैल्यूज आ जाएंगी। और एक अगर आपने मैं क्या करता हूँ दो डिफरेंट वैल्यूज प्रिंट करता हूँ। अब अगर आप एप्पल की वैल्यू देखें और यही आप वैल्यू अगर एप्पल्स की भी देखें ना तो भी आप देखें कि दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। वैसे ऐसा होता है कि कोई भी दो वर्ड सेम हैश वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉसिबल है ऐसा करना, क्योंकि इतने सारे दुनिया में वर्ड्स ये एक इम्पॉसिबल है। और ऐसा जब होता है उसको कहते हैं कि हैश कोलिजन, वो एक कोलिजन होती है कि दो वर्ड्स का सेम हैश वैल्यू आ जाए। और इस हैशिंग वेक्टराइजर के इसी वजह से दो आपके पास इसके डिसएडवांटेज हैं। एक ये है कि ये स्टेटलेस है, उसी वजह से आप वर्ड्स को उनके फ्यूचर इंडेक्स से मैप नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये कि कोलिजंस भी हो सकते हैं, लेकिन इवन दो प्रैक्टिकली कोई ये इतने ज़्यादा होते नहीं है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है। तो चलें इसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट। आपके पास हैश वेक्टराइजर और ऑफ कोर्स इसको मैं पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा हैश हैश के बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ अपना हैश, और ये बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो नॉर्मलाइज कर देता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसमें नॉर्मलाइज ये ना करें, ये नॉर्मलाइज कर देता है कोई ये L2 आपकी रेगुलराइजेशन है। ठीक है। तो अभी मैं इसका नॉम इक्वल टू फास्ट देता हूँ, ये हमारा हैश है वो। और इस पर मैं अब क्या करूँगा अपना फिट करूँगा अपना डॉक्यूमेंट्स जो कि दोनों मर्ज हुए पड़े वो, और इसी तरह मैं इस पर फिर अपना सॉरी क्लोज, और इस पे मैं अपना सेम ट्रांसफॉर्म करूंगा डॉक्यूमेंट्स, और इसको मैं अगर ट्रांसफॉर्म करूँ फॉल्स इज नॉट सपोर्टेड, फॉल्स नहीं बल्कि इस यहाँ पे मैं नन आगे से आएगा। हाँ, तो ये आपका एक स्पर्स मैट्रिक्स बन गया, और इसमें 9141 एलिमेंट स्टोर्ड है। और आपके पास ऑलमोस्ट अगर आप इसके कॉलम्स देखें तो आपके पास इतने ओवर मिलियन 10 लाख से ज़्यादा कॉलम्स हैं। और अगर आप अपना यहाँ पे जो था इसका वर्ड्स काउंट ट्रांसफॉर्म वाला इसमें अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ 2000 थे, इवन तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स काउंट फैक्टराइज में सिर्फ 2000 थे, और इसमें आपके इसमें मतलब 3000 थे, 2800 थे ना, और इसमें आपके कॉलम्स कितने बन रहे हैं 10 लाख बनने, मतलब 1 मिलियन बन रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि आपके पास डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट हैश वैल्यूज आते हैं सारे, तो उसी वजह से ये होता है। और इसमें हर रो में इतनी सारी एम्प्टी वैल्यूज होंगी। ठीक है, यही इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक हो गया। अब हमारा एक और था TFIDF। ठीक है, और इसको देख लेते हैं TFIDF को। ठीक है, और ये काम कैसे करता है ये देखते हैं। इसीलिए मैं आपको एक ये डॉक्यूमेंट पे ले जाऊंगा, इसमें अगर आप देखें तो बोथ द काउंट फैक्टराइजर एंड हैशिंग वेक्टर क्रिएट्स द फीचर मैट्रिक्स ऑफ रॉ काउंट्स यूजिंग रॉ काउंट्स हैज टू प्रॉब्लम्स डॉक्यूमेंट कैरी वाइडली इन लेंथ एंड द काउंट्स विल बी लार्ज फॉर कॉमन वर्ड्स सच एज द एंड इज।
ठीक हो गया। और ये मैंने आपको वहां पे बताया था कि क्योंकि काउंटिंग इन वर्ड्स की तो बहुत ज्यादा हो सकती है ना, दे इज ऐसे वर्ड्स तो ज्यादा यूज होते हैं, तो हमारे एक्चुअल प्रोग्रामिंग में जो बाइट एरर या एनिमल वाले में भी बाइट्स या वो उनके काउंट्स एज कम्पेयर टू दिस कम आ जाएंगे। सो वी नीड टू यूज ए वेटिंग स्कीम दैट कंसीडर्स द अफोरमेंशन्ड एट्रीब्यूट्स दैट ट्रम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टीएफ आईडीएफ का फुल फॉर्म ये है, ट्रम फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। तो टीएफ आईडीएफ फॉर शॉर्ट इज ए पॉपुलर वेटिंग स्कीम टू इम्प्रूव द सिंपल काउंट बेस्ड डेटा फ्रॉम द बैगावर्स मॉडल। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज, द ट्रम फ्रीक्वेंसी एंड द इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। देर आर सेवरल वेरियंट्स बट द मोस्ट पॉपुलर इज बिलो। तो आपकी ट्रम फ्रीक्वेंसी ये काउंट यूज करता है डिवाइड बाय समेशन ऑफ काउंट्स का स्क्वायर, वेयर काउंट ईएडीएफ इज देयर। और ये मैं अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लूंगा, पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। और उसकी इनवर्स फ्रीक्वेंसी डॉक्यूमेंट्री ये इस तरह यूज करता है, ठीक हो गया। और अभी ज़्यादा मैं मैथ में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा ये अभी ट्यूटोरियल जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक बिगिनर लेवल का है। हम ये देखेंगे हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं। बाकी एडवांस ट्यूटोरियल में आगे एक बनाऊंगा जिसमें आप ज़्यादा मैथ देखेंगे, उसमें मैं ज़्यादा डीप देख रहा हूँगा इम्पोर्ट अपना कौन सा टी एफ डी आई एफ ट्रांसफार्मर नहीं, हमारा वेक्टराइजर में चाहिए। और एक्चुअली आपके पास दो में हैं, अगर आप वेक्टराइज यूज करें तो इसमें जो आपके काउंट वेक्टराइजर और हैशिंग वेक्टराइजर है ना उसको भी ये इनकैप्सुलेट करेगा। और अगर हमारे पास वो ऑलरेडी कैलकुलेट है तो फिर आप टी आई डी एफ का ट्रांसफार्मर भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये जो इम्प्लीमेंट होगा ना ये किस पे होगा, एक काउंट का जो मैट्रिक्स है हमारा उस पे इम्प्लीमेंट होगा जो कि हमने ऑलरेडी कर दिया है। काउंट का मैट्रिक्स कहाँ गया, काउंट वर्ड्स हमने बनाया था ना, हाँ ये हमारा ऑलरेडी मैट्रिक्स बना पड़ा है ना, तो हम इस पे ये ट्रांसफार्मर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक हो गया। और पहले ऑफ कोर्स मैं इसका टी एफ आई डी एफ का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ट्रांसफार्मर का, और इस पे मैं फिट करूंगा टी एफ आई डी एफ डॉट फिट ट्रांसफॉर्म साथ कर देता हूँ, चलें हमारे पास वर्ड काउंट्स थे ये फिट ट्रांसफॉर्म। और ये जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, टी एफ आई डी एफ की लेट से इसके हमें वेट्स देगा ना, तो मैं वेट्स का हमारे आएगा। और अगर अब मैं इसको प्रिंट करूँ टी एफ आई डी एफ वेट्स को, तो आपके पास ये वेटेजेस आएगी। अब ये वेटेजेस इंपॉर्टेंट, हमारे पास पहले ये वैक्टर आ गया था ना, अगर आप वेक्टर यूज करते हैं ना यहाँ पे वेक्टराइजर, तो भी आपके पास यही हैशिंग से या काउंट वेक्टराइजर से आपका यही इस पास मैट्रिक्स बनता और फिर ये वेटेज होती, सही है। ये हर आपके वर्ड्स की वेटेजेस देता है यहाँ पे, ठीक हो गया। लेट्स लुक एट द टॉप वेट्स किसको मिले उनको देखते हैं, वो भी इसमें से। तो हमारा टी एफ आई डी एफ जो वेट्स हैं इसका एक आर्गुमेंट होता है डॉट आई गेस आई डी एफ, ये होता है आई डी एफ नॉट फाउंड। अबे यार मैं इस पर क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, टी एफ आई डी एफ ना ये होता है अकेले, ठीक है। और इस पर इसको सॉर्ट कर देते हैं, और सॉर्टिंग में और इसकी मैं 20 माइनस 20 और माइनस 1 बोल गई, ठीक हो गया। और अब और मैं इंडेक्स टू वर्ड्स का ये बना लेता हूँ एक वेरिएबल, इसमें हमारी बैग ऑफ वर्ड्स का फीचर्स नेम्स होंगे, ठीक हो गया। और ये हमारे ये हो गए, और अब मैं लूप चलाऊंगा। सो फॉर इंडेक्स इन टॉप Sizes, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा टी एफ आई डी एफ डॉट आपका आई डी एफ ये, और इसमें मैं इंडेक्स दूंगा ये प्रिंट कर रहा हूँ चाह रहा हूँ मैं। और दूसरा अपना एक्चुअली यहाँ पे मैं आई एन से, तो ये हमारा इंडेक्स टू वर्ड्स, और इसमें ठीक है। तो अगर ये आप देखें ना तो टॉप जो हमारे वेटेज हैं और उसमें से किस 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 को इसने वेट दिया,
जोप को वेट दिया है, माइंड स्टॉर्म, ये अलाना फलाना, इन वर्ड्स को सबसे ज्यादा वेटेज मिला, ये हमारे टॉप 20 वेटेजेस हैं, सही है।